हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। अभी तक हमने हिंदी की नोटबुक में 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्द किए हैं, शब्द रचना की है, चित्र पहचान के नाम लिखो किया है और सही शब्द पे गोला लगाओ किया है। आज हम करने वाले हैं पढ़ो और लिखो। सबसे पहले आप हिंदी की नोटबुक में डेट मेंशन कीजिए एंड क्लास वर्क, ठीक है बच्चों। CW मेंशन करेंगे और डेट मेंशन करेंगे। पढ़ो और लिखो, सबसे पहले आप मेरे साथ बोलिए और फिर हम लिखना स्टार्ट करेंगे। य श यश, सबसे पहले आपको व्यंजन की पहचान होनी चाहिए। र थ रथ, प र पर, च ड चढ़ पूर्ण विराम, यश रथ पर चढ़, ठीक है बच्चों। आपको ये स्मॉल वाली लाइन में लिखना है। य श यश र थ रथ प र पर च ड चढ़, यश रथ पर चढ़। बच्चों अब हमें लिखना है नीचे वाला जो हमने दिया हुआ है अक्षर में, क म ल कमल, त क तक, च ल चल कमल तक चल, और ये हम पूर्ण विराम लगाएंगे। क म ल कमल, त क तक, च ल चल। बच्चों बोल बोल के लिखना है आपको, क म ल कमल, त क तक, च ल चल, और ये पूर्ण विराम, ठीक है बच्चों। अब सबसे जो लास्ट में दिया हुआ है वो बोलिए मेरे साथ आप, ट म ट म टम टम, प र पर, च ड चढ़ टम टम पर चढ़, ये पूर्ण विराम। ट म ट म टम टम प र पर च ड चढ़। बच्चों आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है और नेक्स्ट पेज जो अगला पेज है वो आपका होमवर्क में है। आपको क्लास वर्क और होमवर्क दोनों कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करना है। और बच्चों जिन बच्चों की राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फॉर्मेशन नहीं है, जो लाइन से बाहर निकाल रहे हैं, कुछ बच्चे होमवर्क में जो क्लास वर्क होमवर्क कर रहे हैं ये लाइन से बाहर निकाल रहे हो, तो बिल्कुल लाइन के अंदर लिखा है जैसे मैम ने लिखा है ना, जैसे मैं लिख रही हूँ बच्चों, ऐसे ही आपको भी साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और लाइन के अंदर लिखना है, लाइन से बाहर नहीं निकालना, ठीक है बच्चों। थैंक यू।